बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में जशपुर पुलिस ने पिता और उसके दो बेटों सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जिले के भोले भाले बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे बैंक में खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते थे। बैंकों से प्राप्त अकाउंट और एटीएम कार्ड का प्रयोग सट्टा ऐप के ट्रांजेक्शन के लिए किया करते थे। एसपी शशि मोहन ने यह भी बताया कि इसी साल फरवरी में तपकरा थाना क्षेत्र के बंधाटोली निवासी विकास लकड़ा ने तपकरा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि तपकरा निवासी आरोपी मनोज ताम्रकार और उसके दो आरोपी बेटे सुकेश ताम्रकार, चंद्रसेन ताम्रकार उसके घर आए और उसे नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए उससे 5,000 रुपए नगद के साथ बैंक में खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज ले गए थे। इस मामले की जांच के लिए एएसपी अनिल सोनी और कुनकुरी के एसडीओपी विनोद मंडावी को विशेष जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो ये पूरा मामला महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा पाया गया। सर, महादेव ऐप के तार जशपुर से जुड़ गए हैं, क्या कार्रवाई की? प्रार्थी लकड़ा के द्वारा, विकास लकड़ा के द्वारा ये हमें सूचना दी गई थी कि यहाँ पे आरोपी मनोज ताम्रकार और उसके दो बेटों के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पे उससे खाता खुलवाया गया और उसको उस तरीके उसके खाते में अवैध तरीके से पैसे का संचालन किया जा रहा था। इस शिकायत की जांच पुलिस के द्वारा किया गया और जब पुलिस के द्वारा जांच किया गया और तलाशी ली गई तो अभी तक 17 बैंक अकाउंट के 95 खातों के माध्यम से और 124 एटीएम इनके पास से जब्त किया गया और 28,75,99,000 रुपये का ट्रांजेक्शन उसमें मिला है, जिसमें अभी 3,24,00,000 रुपये को हम लोग फ्रीज करा रहे हैं और इनके पास से 35 लाख, इनके पास से 2,30,000 रुपये नगद भी जब्त किए हैं, एटीएम कार्ड, ये सारी चीज़ों को जब्त किया गया है। और इनके जो मॉडस ऑपरेंडी थी कि यहाँ के भोले भाले लोगों को बरगला कर किसी अन्य कारण से नौकरी लगाने या सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पे खाते खुलवाए गए और इन खातों के माध्यम से बड़ी संख्या में जो खाते थे जो बीच की कड़ी थे महादेव ऐप के, उन लोगों को एटीएम कार्ड और पिन नंबर दे दिया गया और वो लोग वहाँ बैठकर इनके खातों को संचालन कर रहे थे और अवैध रूप से यहाँ पे पैसों का आवागमन हो रहा था। इनके खिलाफ में 420-34 पुलिस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। चार आरोपी गिरफ्तार हैं और विवेचना में आने वाले दिनों में इस मामले के जो और अगली कड़ी है उनके खिलाफ़ भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।